कल्चर जो है ना उसका बहुत इम्पेक्ट है इस पर कि जो गर्ल्स या वीमेन्स की इंडिया में पार्टिसिपेशन जो है गेम्स के लिए वो कंपैरेटिवली लेस है। दूसरा होता है कि फाइनेंशियली पेरेंट्स सोचते हैं कि उतने महंगे इक्विपमेंट्स हैं या चीजें हैं इससे वो बदले में हमें वो छोड़ देते हैं। आई कैन नेवर प्रेफर कि बच्चे जो है वो घर से बाहर निकले। हमारे सोसाइटी सोसाइटी है आजकल इंक्रीजिंग जो है इस पर ज्यादा फर्क डालती है। सपोर्ट ऑफ द फैमिली, फैमिली का सपोर्ट जो है वो भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। या कह सकते हैं हम कल्चर हैं, या हम कह सकते हैं कि माइंड सेट इस तरीके से है कि लड़कियों को या बहन को हम बाहर जल्दी जल्दी नहीं देखते। इसका एग्जाम्पल अगर हम दें लाइक या फिर हम इससे तो आपने देखा होगा सर्वे इंडिया में हाउ दे फील बिकॉज दे हैव टू मेक योर करियर, उसके लिए ट्रेनिंग करनी और घर का काम देखना, ये सब चीजें भी लेडीज के लिए बहुत ही मुश्किल की चीजें हैं। और उसके बाद फाइनेंशियल है, पुअर फैसिलिटीज है, स्पोर्ट्स के जो है एरिनास वगैरह अलग नहीं खुले हुए हैं। देन सेफ्टी, जैसे मैंने अभी बात की है कि सेफ्टी जो है पर भी बहुत ज्यादा बर्डन है इस चीज का, या हम कह सकते हैं पेरेंट्स जो हैं वो जल्दी इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि बच्चियां लेट आज तक प्रैक्टिस करेंगे, कौन लेने जाएगा, कौन छोड़ने जाएगा, या अकेले आती हैं तो किस तरीके से प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। उसके बाद बेटा विमेंस का एक होता है ट्राइड, तीन प्रॉब्लम है नॉर्मली होती है। देर इज होती है जब वो खाना जो है वो प्रॉपरली नहीं खाया जाता, उसके अंदर लंग्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बाद टाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तीन प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मली आती हैं। इसलिए कौन सी ऐसी चीजें हो कि हमने लेडीज को किस तरीके से या गर्ल्स को किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं या उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं कि उसके लिए, तो उसमें पेरेंट्स का सोसाइटी का हर एक का सपोर्ट जो है वो हमें मिलना बहुत ही जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रिगार्डिंग ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है या डाउनफॉल आ रहा है, या और कौन सी एक्टिविटी है जो हम करवाते हैं इसको बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें आते हैं हमारे पास मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में ना आपने पहले भी पढ़ा है, यस, मोटर आप बताओ। हाँ जी, कौन कौन सा है? यस, इसे खेलो इंडिया नेशनल में भी लिया गया, पता है खेलो इंडिया को पढ़ा है ना हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में, खेलो इंडिया। पहला टेस्ट कौन सा है इसका? सबसे पहला टेस्ट जो है वो कौन सा है? फर्स्ट आइटम 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर स्प्रिंट लगानी, स्टैंडिंग स्टार्ट पे स्प्रिंट क्या होती है बेटा? स्प्रिंट अपनी पूरी परफॉर्मेंस को एक बार में ही हमें दे देना है। एनएरोबिक इसमें आता है, इस चीज का टेस्ट लिया जाता है ट्रैक एंड फील्ड पे, और उसके बाद उसके मार्क्स वगैरह चेक किए जाते हैं। उसमें दूसरा टेस्ट जो है वो है 100 मीटर रन, ये दूसरा है। पहला कौन सा है बेटा? हाँ, पहला है 50 मीटर स्प्रिंट है, दूसरा 600 मीटर की वॉक या रन है। तीसरा कौन सा है बेटा इसमें? तीसरा है 6 एंड बीच है,
check the flexibility of a person. किसी की भी flexibility जो है lower back की check करने के लिए क्योंकि यहाँ पर bone है, यहाँ पर जो sitting है उसकी forward bending उसके करके bone को touch करना है या stool को touch करना है, heart function है this कि हमें lower back की जो flexibility है उसको check करने के लिए sitting की Yes. तो वाला पोर्ट जो है उसे हमें करना होता है। उसके बाद है पार्शियल कर्ल ऑफ चेस्ट। जरा पार्शियल कर्ल ऑफ चेस्ट देखने हैं आपने। Yes, normally hands को हम पीछे रखते हैं, hands पर लेट जाते हैं। उसके बाद अपने पूरी बॉडी को हम क्या करते हैं उठाते हैं। पुशअप्स हैं। पुशअप्स जो है वो इसमें आते हैं। पुशअप्स के अंदर क्या है, दोनों के अलग अलग है। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग है पुशअप्स का, ठीक है ना। एब्डोमिनल पार्ट को चेक करने के लिए पुशअप्स है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड मॉडिफाइड पुशअप्स जो है वो गर्ल्स के लिए होते हैं जो हम नॉर्मली करते हैं। उसके बाद है स्टैंडिंग वॉक जंप। इसमें क्या है, हमारी दोनों पैरों से हमने फिट में जो फिट बनी हुई है उसके अंदर जंप लगाना होता है। ये किसको होता है, ये हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को, लेग्स की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को चेक करना होता है कि हम जंप जो है दोनों पैरों के द्वारा लैंडिंग जो है हमारी
उसके बाद है शटल रे। शटल रे आपको बताई हुई है कि नहीं है? व्हाट इज शटल रे? शटल क्या होता है? लड़के नहीं है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो इन द सेम वे। यूजुअली यू पीपल डू द दिस एक्सरसाइज बिफोर और वार्मिंग अप में आपको ये करवाई जाती है। जब बास्केटबॉल के गेम करवाते हैं उससे पहले हम करवाते हैं ना, वी हैव टू मार्क एट अ डिफरेंट प्लेस और इवन इन द टेस्ट। यहाँ से स्टार्ट किया, टच गो बैक, टच गो बैक, टच यू हैव टू टच द ग्राउंड एंड रन। इसलिए अब दो चीज़ें इंक्लूड हो गई, ठीक है ना, हमने टचिंग भी करनी है और हमने क्या करना है, वापस आना है। रेस यहाँ से लग गई है यार बेटा, यहाँ से दौड़ कर आना है फर्स्ट पॉइंट पर, आपने टच करना है, वापस जाना है स्टार्टिंग पॉइंट पर, फिर टच करना है जमीन को या लाइन को। ये क्या है? तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी फ्लेक्सीबिलिटी, एजिलिटी एंड और बॉडी कंट्रोल। क्योंकि आप इमीडिएटली टच करके जब वापस आते हैं कई बार इनबैलेंस होता है हमारे लिए और हमारा बॉडी पर कंट्रोल ना होने के कारण क्या होता है, हमें गिरने के या इंजरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो दिस इज चेंज डायरेक्शन करने के कारण हमारी जो स्पीड, बॉडी कंट्रोल और एजिलिटी को चेक किया जाता है। उसके बाद क्लियर होगी मॉडल के टेस्ट कौन सा है? या टेस्ट है, पहला है 50 मीटर स्प्रिंट है, फिर 7 मीटर डायमंड वॉक है, तो सेंटर कार्डियोवास्कुलर है, सेकंड मीटर रिस्पेक्टिबिलिटी को चेक करता है, पैशन का लगता है या डोमिनेंस स्ट्रेंथ को चेक और एंडोरेंस को चेक करता है। उसके बाद पुशअप्स हैं जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को चेक करता है। मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर द गर्ल्स है, अगर बॉयज के लिए पुशअप्स है तो गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड है। वॉट जंप है, एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ को चेक करता है हमारी। और शटल रन जो है दैट इज फॉर what that is for the balancing of the body, speed and agility, in the nature ko check karna hai. This much is clear. Should we move to forward? Isse aage chale. Agla hai barrow fitness test. Ab barrow fitness test kaun sa hota hai? Ye iska dusra naam kya hai? Barrow fitness test ka dusra naam kya hai? Then anyway say. बताओगे बेटा? हाँ नहीं, इसका है जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। इसको दोनों में से दो नाम से कर सकते हैं। ये है जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, मैं मोटर लिख रही हूँ, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, ठीक है ना? ये इसके अंदर क्या है, ये जो पहले वाला क्या है मोटर फिटनेस टेस्ट, और इसके अंदर है क्या क्या चेंजेस है। नो डाउट स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इसमें है। इसमें जो है पहला है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये किसकी होगा इसमें दूसरा जो है वो है ज़िगज़ैग रन। सेकंड वन इज ज़िगज़ैग रन, ये है कभी देखा आपने? इसमें क्या है, कोऑर्डिनेटिव क्वालिटीज होनी चाहिए हमारी, इससे हमें पता चले कि हमने स्पीड होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिव इससे क्या डेवलपमेंट होती है हमारे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की और होती है, डिफरेंट अलग अलग वगैरह रख लिए जाते हैं। इसमें थर्ड टेस्ट जो है वो है मेडिकल बॉर्ड टू।
मेडिसिन बॉल बताया आपको गैदर की बनी हुई जो वो दूसरी और इससे साइज भी अलग अलग होते हैं गर्ल्स के लिए ऑलमोस्ट 1 kg या थोड़ा सा ऊपर होता है और बॉयज के लिए 3 kg और समथिंग या 3 kg से होता है। और इसमें क्या होता है बेटे, ये हमारी आंख की एक्सपोजिंग पार्ट को चेक करता है, हमारी आंख की एक्सपोजिंग पार्ट जो है वो चेक होती है फिर इसके अंदर कोर और दूसरी जो है वो भी हमारे आसानी से हम स्ट्रेंथ को उसके द्वारा चेक करते हैं। तो दिस इज मोटर डेवलप जो मोटर फिटनेस टेस्ट है दैट इज ऑफ एज एंड द बोरो टेस्ट जो है दैट इज जनरल मोटर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ जनरल मोटर एंड सिंपल मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस में आते हैं 50 मीटर स्प्रिंट है 6 मीटर लेंथ ऑफ वॉक है फिर देन रीच टेस्ट है पार्शियल कर्ल अप है देन पुश अप्स है फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स दैट मॉडिफाइड है उसके बाद ब्रॉड जंप है ठीक है एंड लास्ट वन इज शटल रन टू चेक द व्हाट यू हैव टू चेक इन शटल दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। सो पैरल टेस्ट इज देयर व्हिच इज कॉल्ड अ जनरल मोटर टेस्ट। उसमें सबसे पहले सेम है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जिससे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं देन लेटर ऑन ज़िगज़ैग वे है रन है टू सी द कोऑर्डिनेटिव एंड एजिलिटी ऑफ आवर बॉडी एंड द थर्ड वन इज मेडिसिन बॉल। मेडिसिन बॉल टू या टेस्ट में हम क्या है हमारी बॉडी के शोल्डर्स हैं आर्म्स हैं इन सब की चेकिंग होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा।